खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक इंस्पेक्टर पानीपत के बाबरपुर में नियुक्त हैं और डिपो धारकों से सरेआम पैसे ले रहे हैं। एक वीडियो जो है वो उनका सामने आया है। हमारे साथ खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज हैं। कंबोज साहब, आपके महकमे का एक इंस्पेक्टर है और सरकार की जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है उसको ठेंगा दिखा रहा है और सरेआम पैसे ले रहा है और डिपो धारकों के साथ सेटिंग करके और जो राशन दिया जाता है लोगों को बांटने के लिए उसको मार्केट में बेचे जाने की डील की जा रही है। मेरे भी ध्यान में अभी ये मामला आया है और मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारा कोई इंस्पेक्टर इस प्रकार का काम कर रहा है। निश्चित रूप में इसकी जो है ना बारीकी से जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद, क्योंकि इसमें वीडियो भी है और वीडियो के आधार बना करके उसके ऊपर जो है जो कार्रवाई बनेगी विभागीय कार्रवाई भी होगी, दूसरी अगर उसकी FIR दर्ज कराने की बात होगी तो वो भी जरूर कराएंगे और निश्चित रूप पर ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। कोई किसी प्रकार की जो है ना उनके साथ जो है सख्ती से उनके साथ पेश हो करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसका सारा इंक्वायरी करा करके अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को लगा करके पूरी जांच करवाएंगे और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। वो साहब, इस मामले में दो शिकायतें हैं जो की गई है, एक मुख्यमंत्री के नाम शिकायत है, एक आपके नाम शिकायत है जो पहले की गई है। तो वो जो अधिकारी है, इंस्पेक्टर जो है, वो सरेआम ये कहता है कि आप जहां मर्जी शिकायत कर दीजिए, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आखिरकार एक इंस्पेक्टर इस तरीके के दावे कैसे कर सकता है और एक साल पहले के करीब की दो शिकायतें भी है, कार्रवाई हुई भी नहीं है। तो ऐसे में सर, क्या कोई राजनीतिक संरक्षण है, क्या वजह है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई पहले भी नहीं हुई? देखिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो कम से कम मैं तो उसको नहीं कभी मानता, और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आती है तो मैं स्पष्ट मना कर देता हूँ कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके साथ कोई भी किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं बरती जाती और जो भी उचित कार्रवाई होती है मैं कार्रवाई करता हूँ। इस केस में भी जैसा कि आपने बताया कि जो भी इसमें जाँच होगी और जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे निश्चित रूप पर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज हैं जिन्होंने ये जानकारी दी है कि जो पानीपत में फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर का जो मामला सामने आया है उस मामले में जांच करवाई जाएगी और जो जरूरत के मुताबिक विभागीय कार्रवाई होगी वो इस मामले में की जाएगी। कैमरामैन विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़।